Shut up and sit down. चलिए हम लोग वोकैबुलरी एनरिचमेंट करते हैं. Woot, would are two words which sound the same but have different meaning and are spelt differently. देखिए woot और would ये दोनों साउंड एक है इनका, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है और इनका स्पेलिंग अलग अलग है. फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पेयर्स ऑफ द वर्ड्स गिवन. अब देखिए ये जो पेयर दिया है इससे यूज करके हम लोग को जो वर्ड जिस सेंटेंस में बैठेगा वहां पे लगाना है. दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड ऑफ पुअर क्वालिटी. इट इज सो कोल्ड टुनाइट दैट आई वुड नॉट लाइक टू गो आउट. ओके, इस तरह से ये सेट हो रहा है. आप देखिए बो बो, बोर होने का मतलब क्या होता है बताइए. बोर होने का मतलब होता है जब आप किसी चीज से उब जाते हैं. आप कोई काम बहुत बार कर रहे हैं, आप उब चुके हैं. अब बी ओ ए आर, बोर का मतलब होता है जंगली सुअर. द फिल्म दैट वी वेंट लास्ट नाइट वॉज बैडली मेड, इट वॉज क्वाइट अ बोर. आप मूवी देख के बोर हो गए. अ वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, इज वेरी डेंजरस एनिमल. हर्ड हेयर, अब देखिए दोनों का आवाज एक है. हर्ड, पहला एच ई आर डी का मतलब होता है झुंड, ठीक है, और दूसरे का एच ई ए आर डी का मतलब होता है सुना. अ लार्ज डैश ऑफ स्पॉटेड डियर केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट ऑन टू द रोड लास्ट नाइट. अ हर्ड ऑफ स्पॉटेड डियर. ओके, आई हर्ड that the examination are to be postponed again this year. Now, root, root. अब देखिए सबसे पहला आर डबल ओ टी, मतलब पहले जानिए. इसका मतलब होता है, आर डबल ओ टी का मतलब जड़, जैसे पेड़ का जड़ होता है. और आर ओ यू टी ई का मतलब होता है मार्ग, रास्ता. सम डैश लाइक दैट ऑफ द टपियोका आर गुड टू यू. टपियोका क्या होता है? टी ए पी आई ओ सी ए, टपियोका. ये एक तरह का खाने का पदार्थ है, ठीक है. सम रूट्स लाइक दैट ऑफ टपियोका आर गुड टू इट. दिस डैश टू जैसलमेर इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड. रूट, ओके. नाउ वेदर, वेदर. पहला वेदर का मतलब होता है मौसम, दूसरा डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर का मतलब होता है दोनों में से कौन सा, या यदि. द डैश हैज बीन कोल्ड एंड डैम्प ऑल मंथ. तो पहला में होगा मौसम, क्योंकि मौसम कोल्ड होता है. द वेदर हैज बीन कोल्ड एंड डैम्प ऑल मंथ. बलदेव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नलिंग वेदर द टनल वॉज फ्री और ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और नॉट. ओके, मेल मेल, ये मेल हो गया पुरुष और ये मेल हो गया ईमेल करना या लेटर भेजना. द डैश मेल, द डैश हैज बीन डिलेड ड्यू टू द स्ट्राइक बाई पोस्टमैन. द मेल, ओके, द मेल बर्ड्स आर ऑलवेज मोर डेकोरेटिव दैन फीमेल्स. ओके, थ्रू थ्रू. अब देखिए पहले का मतलब होता है टी एच आर ई डब्ल्यू, उसका मतलब होता है फेंकना, किसी चीज को जब आप फेंक देते हो. दूसरा टी एच आर ओ यू जी एच का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा या किसी चीज के मध्य से. अमर डैश अवे ऑल द फिश करी थिंकिंग इट हैड गॉन बैड. अमर थ्रू, वो सारा फेंक दिया. द ट्रेन टू मुंबई गोज थ्रू मैनी टनल्स. ओके, बेयर बियर. अब बी ए आर ई, एक एक करके पहले मतलब समझिए. बी ए आर ई का मतलब होता है नंगा, ठीक है, या मात्र. दूसरा बी ए आर का मतलब होता है भालू, एक प्रकार का जानवर. द ब्लैक हिमालयन बियर इज वेरी डेंजरस. एग्जाम में अगर ऐसा आएगा पूरा सेंटेंस उतारिएगा फिर आंसर कीजिएगा. पीपल हैव बीन कटिंग ट्रीज सो क्लियरली दैट मैनी ब्यूटिफुल फॉरेस्ट हैव बिकम बेयर ऑफ वेजिटेशन. अब चलिए हम लोग आगे का पोर्शन देखते हैं. स्टील, स्टील. पहला स्टील जो है वो एक धातु है, ठीक है, इस्पात इसको कहते हैं, स्टील प्लेट, लोहा कह सकते हैं. दूसरा स्टील का मतलब होता है चोरी करना. डैश यूटेंसिल्स आर इजी टू कीप क्लीन. स्टील,
utensils. Ravi knew that there was rupees 10 in his father's almira and he needed some money, but he did not take it because it was wrong to steal. Chori karna galat hota hai. There. Ab dekhiye. Pehla theer, there ka matlab hota hai unki, unka, inki, inka, aur theer ka matlab hota hai wahan. Dash is no time to go shopping before we leave for the station. Yahan pe hoga there. Ravi and Neha are friends. I have forgotten their phone numbers. Theek hai, ab chaliye hum log yahan pe odd words ko alag karenge. Pick out the odd words from each set of the words below. Example: watchman, engine, driver, fireman, boy, cook. देखिए वॉचमैन, इंजन, ड्राइवर, फायरमैन, कुक, ये सब काम है. ठीक है. टाइगर, डियर, पैंथर, हाइना, जैकल. अब इसमें ये ऑड वन है. ठीक है, क्योंकि ये बाकी सब बहुत खतरनाक होते हैं. फादर, ब्रदर, नेबर, सन, आंट. ठीक है, अब इसमें जो फादर, ब्रदर, सन, आंट एक ही परिवार के हैं, नेबर ऑड वन आउट है. जो ऑड है उसको अलग करना है. बुलक कार्ट, ट्रेन, कार, एरोप्लेन, स्कूटर. अब देखिए ट्रेन, कार, एरोप्लेन, स्कूटर ये सब मशीन से चलती हैं. बुलक कार्ट यहां पे अलग है. ओके, एक्स, गन, स्पीयर, नाइफ, ब्लेड. अब देखिए यहां पे एक्स, स्पीयर, नाइफ, ब्लेड ये सब एक प्रकार के हैं, गन अलग है. ग्रंट, रोर, क्राई, शाउट, मैन ये सब आवाज है और ये अलग है. हट, हाउस, केव, स्टेशन, गराज. अब देखिए हट, हाउस, स्टेशन, गराज ये और गुफा ये अलग है. केव मतलब गुफा. सी, हियर, रीड, टेस्ट, फील. देखिए सुनना, देखना, सुनना, टेस्ट करना, महसूस करना ये एक है. रीड पढ़ना अलग है. लीप, रन, जंप, वॉक, स्लीप. स्लीप अलग है इसमें. काउ, डॉग, हेन, क्रो, पिग. अब देखिए क्रो अलग है. ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में आ सकता है ऑड वन आउट, तो आपको ये करना पड़ेगा. अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रामर. नॉन फाइनाइट्स टू इन्फिनिटिस. Look at the following sentence. Study the underlined word. Tembu wondered if his father was ready to leave the hut. At night, it was his duty to see the lamp was burning. अब ये देखिए, ये जो to see है और to leave है, ये आपका to infinitives हो गया यहाँ पे. The underlined words are called infinitives. To see, to leave, to do, to help, to walk, to talk, ये सब infinitives हैं. They are formed by writing to plus verb. अब जैसे to लिखे, to walk, to talk, to sleep, to drink, to study, ये सब infinitives हो गया. Example: he had to help at home. He had also to help. यहाँ पे to help आपका infinitive हो गया. It's time to light the lamp. To light, ये देखिए to plus help, to plus light. Okay. Note: to is followed by the first form of the verb. That is the original form of the verb without any change. अब देखिए to walked नहीं होगा, talked नहीं होगा, slept नहीं होगा, drunk नहीं होगा, studied नहीं होगा. To के साथ जो verb है उसका एकदम simple form लगता है. अब यहाँ पे हम लोग infinitives खोजेंगे. Underline the infinitives in the following sentence. याद रखिएगा to plus verb जो होगा वही infinitive होगा. He agreed to postpone the meeting. To postpone. Exam में ये पूरा उतारिएगा black pen से, blue pen से underline कीजिएगा. या टू प्लस वर्ब टू पोस्टपोन इन्फिनेटिव्स है. इट इज डेंजरस टू प्ले विथ अ गन. टू प्ले. वी ट्राई टू ओपन द डोर बट इट हैड जैम्ड. टू ओपन. टू प्लस वर्ब. वी हैव टू लर्न मोर अबाउट इन्फिनेटिव्स. टू लर्न. बैंक इज अ प्लेस टू डिपॉजिट मनी. टू डिपॉजिट. चिल्ड्रेन गो टू प्ले इन अ पार्क. टू प्ले. ठीक है, इस तरह से ही होते हैं. अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द बॉक्स. अब देखिए वर्ब क्या है. पोस्ट, हेल्प, गो, स्लीप, अकंपनी, रिपोर्ट, पार्क, लिव, सिट, वेस्ट.
ओके पहला आई फॉरगॉट डैश योर लेटर आई फॉरगॉट टू पोस्ट योर लेटर ही वॉन्ट्स डैश टू द स्टेशन ही वॉन्ट्स टू गो टू द स्टेशन क्योंकि इन्फिनेटिव है तो टू के साथ वर्ब लगेगा ठीक है शी प्रिटेंडेड टू स्लीप वुड यू लाइक टू अकंपनी ही आस्क्ड हर टू डैश द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट टू रिपोर्ट It is safe to dash the car here. Park the car here. देखिए यहाँ पे सब लाइन से मिल जा रहा है एग्जाम में ऐसा नहीं होगा आगे पीछे हो सकता है Dash without air is impossible. To live. Okay. Next, dash in the sun in winter is pleasant. Sit. To Sit in the sun in winter is pleasant. Dash water is foolish. To waste water is foolish. Ek help bacha. I shall be glad to help you. ठीक है बहुत simple था हो गया. Gerunds. आइए अब gerunds देखते हैं. Observe the following sentence and see how the underlined words function. Swimming is good for health. Swimming. सीता लव्स डांसिंग अब देखिए जेरंड में क्या होता है प्लस आई एन जी ठीक है लग जाता है स्विमिंग एंड डांसिंग आर यूज एज नाउंस ऑल्दो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स अब देखिए स्विम करना या डांस करना ये है तो वर्ब लेकिन यहां पे इसको हम लोग नाउन की तरह इस्तेमाल किए अ वर्ड विच वॉज अ वर्ब डज द वर्क ऑफ अ नाउन बाई एडिंग आई एन जी एक वर्ड जो कि वर्ब है लेकिन आई एन जी एड करने से वो नाउन बन जाता है इट इज यूज इन द सेम वे एज नाउन वो हम लोग नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हेंस वी से ही लाइक्स ड्राइविंग हम लोग बोल सकते हैं ही लाइक्स ड्राइविंग राइटिंग इज हिज हॉबीज राइटिंग क्या है हिज हॉबी अब देखिए राइट ये एक वर्ब है इसमें हम लोग आई एन जी किए ये बन गया जेरेंड तो जेरेंड में क्या होगा वर्ब प्लस आई एन जी ठीक है जैसे ये क्या था ड्राइव ड्राइव में आई एन जी एड किए तो हो गया ड्राइविंग यहां पे डांस डांस में आई एन जी एड किए हो गया डांसिंग स्विम स्विम में आई एन जी एड किए तो हो गया स्विमिंग ठीक है ये सारे आई एन जी आपके जेरेंड्स हो गए एक्सरसाइज वन अंडरलाइन द जेरेंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस अब जितने जेरेंड है उसको आपको अंडरलाइन करना है याद रखिएगा जेरेंड्स क्या होते हैं वर्ब प्लस आई एन जी अंजू लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स बाय थॉमस हार्डी रीडिंग बॉयज लाइक प्लेइंग क्रिकेट प्लेइंग राइडिंग इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी यहां पे देखिए राइडिंग गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग अब देखिए गिव और रिसीव दोनों ही वर्ब है तो दोनों ही जेरेंड हो गए सिंगिंग गिव्स अस जॉय सिंगिंग ओके तो वर्ब के साथ जब आप आई एन जी लगाओगे तो वो जेरेंड बन जाएगा अब चलिए यहां पे हम लोग एक्सरसाइज टू करते हैं यूज द जेरेंडियल फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स अब जो वर्ड्स हैं उसका जेरेंडियल फॉर्म हम लोग करना है ठीक है तो चलिए हम लोग करते हैं बाथ इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ बेदिंग इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ अब देखिए फॉर्मूला क्या है वर्ब प्लस आई एन जी तब क्या बनेगा जेरंड बनेगा ठीक है डैश सी इज डैश सीइंग इज बिलीविंग वी गो टू स्कूल फॉर स्टडी स्टडिंग He dislikes dash a green shirt. Wear का हो जाएगा wearing. Baldev was responsible for signal का हो जाएगा signaling. He heard the dash of a woodpecker hammering.
हैमर का हैमरिंग, क्योंकि हम लोग जरेंड कर रहे हैं. ही स्टॉप डैश ट्रम्बल व्हेन ही वाज दैट द टाइगर वाज डेड. यहाँ सॉ होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है. ऐसे यहाँ पे ट्रेम्बल का हो जाएगा ट्रेम्बलिन. द लियोपार्ड वेटेड एट द कट का हो जाएगा कटिंग. डैश हैज मेड मी हर टायर्ड शॉपिंग. स्टडी ग्रामर इज फन. स्टडी का स्टडिंग, क्योंकि जरेंड बनाना था, सिंपल है, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दीजिएगा, जरेंड बन जाएगा. अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं. द पास्ट पार्टिसिपल. यू सॉ दैट बाय एडिंग आईएनजी वी कैन यूज द वर्ब एज नाउन आल्सो. नाउ लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आप देखें कि आईएनजी जब हम लोग वर्ब के संग ऐड करते हैं तो हम लोग उसको नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब नीचे अंडरलाइन जो वर्ड है उनको आप देखिए. द आई एन जी वर्ड फंक्शंस लाइक एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, दे आर प्रेजेंट पार्टिसिपल. जब आई एन जी वर्ड्स एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की तरह काम करेंगे तो ये हो जाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. लाइक ही हर्ड अ बार्किंग डियर, यहाँ पे ये जो बार्किंग है ये एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा. द टॉय वॉज अ डांसिंग गर्ल इन अ ग्लास केस. ठीक है, अब देखिए पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, जब आई एन जी फॉर्म एडजेक्टिव या एडवर्ब के तरह काम आएगा तो वो हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंस. द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड. सिटिंग. ही जम्प्ड इनटू अ मूविंग बस. मूविंग. द फ्राइटनिंग क्राई वॉज फॉलोड बाई अ क्रैशिंग साउंड इन द अंडरग्राउंड. फ्राइटनिंग क्रैशिंग. दे डिसअप्रूव्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. डिसअप्रूव of playing cards may playing. Okay. Now up let's see this portion. Fill in the blanks with the present participle of the words in the box. अब ये जो box में words दिए हैं इसके present participle बनाना है. कैसे बनाएंगे? Verb plus ing. और ये काम कैसा करेगा? या तो adjective और adverb. Okay. Speak, menace, excite, learn, yawn, write. Now, let's do it. We got some dash news last evening. We got some exciting news last evening. We had a dash activity in class today. We had a speaking activity in class today. The black entrance to the tunnel looked dash menacing, मतलब डरावना. The train entered the dash tunnel. The train entered the yawning tunnel. She was busy dash letters writing. She was busy writing letters. It was a dash experience of us. It was a learning experience of us. बहुत ही सिंपल था. अब चलिए हम लोग पास्ट पार्टिसिपल करते हैं. Observe the following sentence. They found hidden treasure under the stone. Hidden. They ate cooked food. They cut the fallen tree. They burnt sticks. अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या है. द पास्ट पार्टिसिपल हिडन कुक्ड फॉलन यूज्ड ईडी ईएन और टी. जैसे हाइड का हम लोग क्या किए, ईएन करके हिडन कर दिए. कुक का हम लोग क्या किए, कुक्ड कर दिए. फॉल का हम लोग क्या किए, फॉलन कर दिए. और टी लगाए. बर्न का हम लोग क्या किए, बर्न्ड कर दिए. ठीक है. टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड एक्शन एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई ट्रेजर फूड ट्री स्टिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंप्लीटेड एक्शन हो गया एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे ट्रेजर फूड और ट्री और स्टिक्स के लिए. ठीक है.
Now pick out the past participle in the following sentence and underline them. A frightened child ran to his mother. Frightened. He is changed man now. Changed. Don't use a broken scale. Broken. ठीक है, तो ये सब आपके past participle है. देखिए ed लगा है और यहाँ पे en लगा है, तो क्या लगता है ed, en और t. Now fill in the blanks with the past participle form of the verb in the box. अब ये जो box में words हैं, write, complete, paint, steal, break, इसका past participle use करके हम लोगों को ये fill in the blanks करना है. याद रखिएगा, exam में अगर ऐसा question आया तो question जरूर उतारिएगा. चलिए, submit a dash report. Which report? Written. Submit a written report. Okay. The police found the dash goods. The police found the steel ka stolen hota hai. Stolen goods. Okay. Please submit your dash assignment. Please submit your completed assignment. Don't play with dash toys. Don't play with broken toys. It is a dash picture, not a photograph. It is a painted picture, not a photograph.